डियर स्टूडेंट्स, मैं ए के सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन के रूल। चलिए आइए देखते हैं क्या रूल है। लेकिन रूल जानने से पहले हम ये देखेंगे कि ये रूल पढ़ना ही क्यों है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट चैप्टर में हमारे इमेज फॉर्मेशन यानी किरण आरेख द्वारा किसी भी प्रतिबिंब का यानी कोई वस्तु रखी गई है, तो वो प्रतिबिंब यानी हम ये कह दें कोई दर्पण है, उसके सामने ये वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज कहाँ बनने वाला है, किस पोजीशन में बनने वाला है। तो यही सब फॉर्मेशन यानी इमेज कहाँ बनेगा उसको हम अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, रूल पढ़ते हैं। यानी यही दो तीन रूल हैं टोटल, उन तीन रूल पे ही हमारे जो है पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिएगा, पहले रूल में ये बात करें, ये हमारा जो होगा एक कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स, ठीक है। अब देखिएगा, पहला रूल ये कहता है कि कोई भी प्रकाश की किरण हो, यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, यानी देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस से है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे जाती है, मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहला रूल इसमें हुआ किसमें, कनकेव के लिए। सेम कंडीशन इसमें ही होगा, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत क्यों हुई, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कभी भी हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर होगा तो उसमें कभी भी हम उसके पीछे इमेज को हम देख नहीं पाते, इसलिए हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर, ये हमारा रहा पहला रूल। तो चलिए हमारा रूल नंबर टू हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर टू ये कहता है, कनकेव में हम बात करते हैं पहले, कि जब कोई प्रकाश किरणें क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर आती होती है, क्या मुख्य फोकस से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पे मुख्य अक्ष के यानी दर्पण के फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, दर्पण से फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्लियर हो पा रही बात है, कहीं ना कहीं हमारा ये रूल नंबर टू जो है रूल नंबर वन के इक्वल है, ठीक है। बस अंतर ये था, उसमें क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर थी तो किससे चली गई थी, फोकस से होकर चली गई थी, इसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर थी तो फोकस से होकर चली गई थी, लेकिन इसमें अगर फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमारा रूल नंबर थर्ड कनकेव मिरर में बात करते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात, सेंटर से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम से यानी वक्रता केंद्र से ही होकर वापस चली जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर आएगी तो पुनः उसी मार्ग में यानी वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। सेकेंड कंडीशन इसमें कन्वेक्स के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर क्या होती हैं, आती हुई है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती हैं, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएंगी, वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएंगी। दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक इमेज ही बना सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। क्लियर हो पा रही बात है, यानी कहीं ना कहीं हमने रूल नंबर ए पढ़ा वन, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। अगर जाती हैं तो हमारा क्या होगा, कनकेव होगा। अगर जाती हुई प्रतीत होंगी तो हमारा क्या होगा, कन्वेक्स होगा। रूल नंबर टू ये है कि यानी दर्पण के मुख्य फोकस से होकर आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती हैं, चली जाती हैं या समांतर हो जाती हैं। क्लियर। रूल नंबर थर्ड ये है कि यानी क्या हो जाएगा, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें या होकर जाने वाली प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस अपने चली जाती है, जैसा कि आपको केस में यहाँ पर दिख रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे तीन नियम। इसी तीनों नियम पे हमारे प्रकाश किरण के जितने भी रे डायग्राम हैं वो सारे हम इसी पे देखेंगे। चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे, इमेज हमें इन्हीं के बीच में हमें देखना है, इन्हीं से हमें इमेज मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे विदा, धन्यवाद।